हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है। मैं राजेश कुमार बादू आपके साथ। आज हम स्टडी करेंगे फंजाई के बारे में। पिछले अपने लेसन में मैंने बताया था आपको बैक्टीरिया के बारे में, उसमें से बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के बारे में बताया था, लेकिन अब की बार अपने किसके बारे में स्टडी करनी है? फंजाई के बारे में। तो देखिए, पिछले लेसन में भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी मोनेरा प्रोटिस्टा उसने अपने को डिवाइड कर रखा था, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको, लेकिन उनमें से क्या है, कवक भी एक है और कवक में अपने क्लोरोफिल नहीं मिलता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से इनको क्या नाम से जाना जाता है? क्लोरोसिस नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोसिस, क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से इनको क्लोरोसिस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, जो सबसे पहले कवक का जो जिक्र मिलता है पुरानी बुक्स में, या सबसे पहले इसका जिक्र किया गया स्टार्ट के अंदर, कब इसका जिक्र किया गया, तो वो जिक्र किया किसने? कैस्पर गैस्पोर्ड बोहिन ने, या फिर इसको कैस्पर बोहिन भी बोलते हैं, या फिर इसको कैस्पर की जगह गैस्पोर्ड बोहिन भी बोलते हैं। अब गैस्पोर्ड बोहिन ने एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम क्या था? पिनेक्स थियोरेटिक बोटनिका। पिनेक्स थियोरेटिक बोटनिका इनकी बुक थी, 1623 में, 1623 में ये लिखी गई थी। इस बुक में सिर्फ इन्होंने जिक्र किया था, तब तक कवक नाम नहीं आया था, सिर्फ जिक्र किया था कि जो जितने भी इन्होंने प्लांट्स का क्लासिफाई, प्लांट्स के बारे में बताया था इस बुक के अंदर, तो इन्होंने सिर्फ जिक्र किया था, यानी वर्णन किया था, तब इनका क्या मिलता है? कवकों का सिर्फ वर्णन मिलता है इस बुक के अंदर। और इसके बाद में, वर्णन के बाद में कार्ल वॉन लिनियस ने, किसने? कार्ल वॉन लिनियस ने जब बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, क्या क्या था? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, कल्चर यानी द्विम नाम पत्ती दी थी, उस समय ही कार्ल वॉन लिनियस ने लिनियस को ही कवक शब्द का सर्वप्रथम उपयोगकर्ता माना जाता है 1753 में। कार्ल वॉन लिनियस को ही क्या है, जब इन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, या फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, इन्होंने प्लांटी एंड एनिमलिया जो किंगडम के बारे में बता रहे थे, उसी टाइम में उन्होंने किसके बारे में अलग पहचान या अलग नाम दिया था? कवक का। कई जगह गलती कर बैठते हैं कि कवक नाम गैस्पर्ड बोहिन का बता देते हैं, कवक नाम इन्होंने दिया था, लेकिन कवक नाम दिया था लिनियस ने सबसे पहले। अब देखिए, कवक विज्ञान के जनक, तो कवक विज्ञान के जनक से पहले बात कर लेते हैं कि कवक यानी फंजाई है क्या, इसका तात्पर्य क्या है, नाम कहां से आया? फंजाई शब्द है वो कहां से आया है? फंगस से आया है। कहां से? फंगस, जो लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है मशरूम या फिर छतरक। मशरूम या छतरक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है मशरूम या छतरक। अब ये जो लैटिन नाम है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? फंजाई पड़ा है या कवक पड़ा है। और मैंने बता दिया आपको कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इनको क्या है? क्लोरोसिस भी बोलते हैं। और जो पुरानी बुक थी उनके अंदर, जो सबसे पहले जब इनका वर्णन मिलता है, तब इनका नाम सिर्फ क्लोरोसिस नाम से जाना जाता था, इनको क्लोरोसिस नाम से ही जाना जाता था, क्लोरोसिस बोला जाता था इनको। तो देखिए, आगे अपने बात करते हैं कवक विज्ञान के जनक की। तो कवक विज्ञान के जनक है माइकेली। अब माइकेली ऐसे याद नहीं रहे आपको, तो कवक विज्ञान क्या कहलाती है? कवक विज्ञान के जनक तो बात करते हैं, लेकिन कवक विज्ञान क्या है वो क्या कहलाती है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी और माइकोलॉजी से आप याद रखना, माइकोलॉजी और माइकेली। तो कवक विज्ञान के जो सबसे पहले जनक है वो क्या है, यानी जो जनक माने जाते हैं, कवक विज्ञान के जनक आते हैं। कवक विज्ञान के जनक, आधुनिक जनक की बात करें तो आधुनिक कवक विज्ञान के जनक है हेनरी एंटोन डी बेरी। क्या नाम है? हेनरी एंटोन डी बेरी।
आधुनिक कवक विज्ञान के याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। आधुनिक कवक विज्ञान के जनक कौन है? हेनरी एंटोन डी बेरी, जिन्होंने गेहूं में किट रस्ट या फिर इसको बोलते हैं ब्लैक रस्ट डिजीज के कारण, यानी ब्लैक रस्ट डिजीज की खोज की थी, उसी कारण को आधुनिक कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और ये ब्लैक रस्ट डिजीज है वो कौन से कवक से फैलती है? पक्सीनिया, ग्रेमिनिस, ट्रीटिसाई। पक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रीटिसाई, हिंदी में लिख देता हूं मैं, पक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रीटिसाई। तो गेहूं में कीट रस्ट या ब्लैक रस्ट जो डिजीज है, और ये ब्लैक रस्ट डिजीज होती कहां पे? गेहूं में स्टेम में, यानी स्तंभ में ये डिजीज होती है। इसी कारण है जो आधुनिक कवक विज्ञान के जनक है इनको बोला जाता है हेनरी एंटोन डी बेरी को। तो कवक विज्ञान के जनक माइकेली, और कवक विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और आधुनिक कवक विज्ञान के जनक कौन है? हेनरी एंटोन डी बेरी है। और भारतीय कवक विज्ञान के जनक की बात करें अपने, भारतीय कवक विज्ञान के जनक की बात करें, भारतीय कवक विज्ञान के जनक वो आते हैं सर एडविन बटलर। सर एडविन बटलर और इनके साथ में मुंडका, किसका नाम आता है? मुंडका। तो भारतीय कवक विज्ञान के जनक है वो सर एडविन बटलर है और मुंडका है। भारतीय कवक विज्ञान के जनक, आधुनिक कवक विज्ञान के जनक माइकेली, सॉरी आधुनिक कवक विज्ञान के जनक हेनरी एंटोन डी बेरी, और कवक विज्ञान के जनक कौन है? माइकेली है। तो ये अपने को कंफ्यूजन नहीं होना, अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद में कौन आया? वैसे 1950 में वैसे ने ये बताया था कि जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोरोफिल रहित सवहनी पौधे होते हैं। क्या होते हैं कवक? क्लोरोफिल रहित। तो क्लोरोफिल का मतलब, इनमें क्लोरोफिल रहित का मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही, क्लोरोफिल यानी हरित लवक, और हरित लवक नहीं होगा तो ये क्या नहीं करते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। कवकों में प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है, कवकों में सिर्फ ऑब्जर्वेशन यानी अधिशोषण मिलता है पानी का, क्या करते हैं, या फिर जमीन से न्यूट्रिशन से जो होते हैं इनके फूड के लिए, वो क्या करते हैं? सिर्फ अब्जॉर्ब करते हैं या अवशोषण करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण शैवालों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, कवकों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। इसीलिए इनकी मैं अलग आपको बात बता देता हूं कि जो शैवाल है और प्लस में कवक है, ये दोनों म्यूटलिज्म रिलेशनशिप यानी सहल जीवन बिताते हैं। बहुत जगह क्या बताते हैं? ये सहज जीवन बिताते हैं, म्यूटलिज्म रिलेशनशिप होती है इनकी, सहजीवी कहलाते हैं। और शैवाल और कवक साथ में रहते हैं, तो कवक इनमें से क्या करता है? मैंने बता दिया क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता, तो सिर्फ क्या करता है? ऑब्जर्वेशन करता है यानी अवशोषण करता है। और जो शैवाल होते हैं, शैवाल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस करके जो कार्बोहाइड्रेट है वो बना लेता है। फोटोसिंथेसिस करके शैवाल तो क्या बना लेता है? कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। और कवक क्या कर लेता है? नीचे से अपना ऑब्जर्वेशन में जितने भी न्यूट्रिशन है वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो इससे अपने दोनों क्या रहते हैं? सहजीवन बिताते हैं। और इस सहजीवनता को क्या कहते हैं? लाइकेन कहलाती है। इनकी ये सहजीवनता क्या कहलाती है? लाइकेन कहलाती है। तो देखिए ये लाइकेन के बारे में अपन को ध्यान में रखना है। लाइकेन शैवाल और कवकों का सहजीवन है, ये अलग से बात थी, आपको ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना कहीं पे भी। अब देखिए इसके बाद में बात करते हैं अपने, वहीं पे आते हैं। वैसे ने क्या बताया था कि क्लोरोफिल रहित सवहनी पौधे हैं, हरित लवक इनमें नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनके अंदर नहीं होती है। अब बात करते हैं सवहनी पौधे क्या है, सवहनी पौधे कौन से होते हैं। सवहनी पौधों में फ्लोएम एंड जाइलम मिलते हैं, और फ्लोएम एंड जाइलम क्या होते हैं जिसके अंदर होते हैं उनको सवहनी पौधे बोला जाता है। और फ्लोएम और जाइलम अपने कोई भी प्लांट होता है, जो बड़े प्लांट है उनके अंदर क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन का काम करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो ऊपर फूड बनता है उनको पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो अपने आगे से बड़े प्लांट पढ़ेंगे उनमें बात करेंगे। अब देखिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट
न्यूट्रिशन की इनके, न्यूट्रिशन से पहले इनके गुण धर्म पढ़ लेते हैं कि इनके गुण धर्म क्या होते हैं, जो कवक है उनके गुण धर्म क्या है। तो गुण धर्म में बात करते हैं सबसे पहले थैलस, इनकी बॉडी है वो क्या कहलाती है, थैलस कहलाती है। थैलस का मतलब क्या होता है, रूट स्टेम एंड लीफ, तीनों ही प्रेजेंट नहीं होती है। रूट का मतलब जड़, तना और पत्ती का क्या होता है, अभाव होता है, और इसी वजह से इनका शरीर क्या कहलाता है, थैलस कहलाता है। अब देखिए जड़ तना पत्ती का अभाव है, और इसके बाद में इसके बाद करते हैं कि ये होते कौन से हैं, कैसे कोशिकीय हैं, मतलब सेल्युलर कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो बात करते हैं इनकी सेल्युलर स्ट्रक्चर की, तो इनकी सेल्युलर स्ट्रक्चर कैसी है, यूकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक में मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। क्या होता है, पूर्ण विकसित, इनकी कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। और पूर्ण केंद्रित, पूर्ण विकसित केंद्रक से तात्पर्य यह होता है कि वह सेल जिसके अंदर केंद्रक होता है उसकी केंद्रक झिल्ली अच्छी तरह से बनी होती है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो अच्छा अच्छी तरह से बना होता है, उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल यानी अदर कोशिकांग होते हैं वो भी अच्छी तरह से विकसित होते हैं, और ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाती है, और पूरी तरह से उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए और गुणसूत्र वगैरह उनके अंदर जो भी है उसका, जो कोशिका का जो अंग है वो सारे सारे इसके अंदर अच्छी तरह से क्या होते हैं, बने होते हैं। वो कोशिकाएं कौन सी होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। तो शैवालों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब बात करते हैं पूर्ण विकसित केंद्रक है इनके अंदर, केंद्रक झिल्ली भी प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट बात करें कि इनका जो कई जगह ये भी बात आ जाती है कि इनका जो केंद्रक होता है वो पट युक्त और पट रहित होता है, केंद्रक इनका पट युक्त और पट रहित होता है। अब पट युक्त कौन सा होता है, पट युक्त में तो क्या होता है कि जैसे इनकी सेल के अंदर क्या मिलते हैं, ऐसे पट प्रेजेंट रहते हैं बीच बीच में, और पट रहित में इनकी सेल के बीच में कोई पट नहीं होता, सीधी अपने न्यूक्लियस है वो सीधे दिखाई देते हैं, न्यूक्लियस के बीच में कोई पट दिखाई नहीं देता। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के बारे में, धागे नुमा संरचना के बारे में। कवकों की संरचना कैसी बताई जाती है, धागे नुमा संरचना। जैसे मैं यहां पे आपको बना के बता देता हूं, जैसे ये कोई कवक है, इस टाइप से या फिर इस टाइप से इसकी संरचना है। ये संरचना कैसी है, धागे नुमा संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में भी इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है हाइफी और एक होता है हाइफा। क्या होता है, हाइफी और हाइफा। हाइफी में क्या होता है, देखिए कि जब एकल तंतु होते हैं, क्या होते हैं, जब एकल तंतु होते हैं, एक तंतु होता है, सिर्फ एकल तंतु होता है, कोई जाल नहीं बनता है, तो उसको हाइफी कहते हैं, एकल तंतु को इसको हाइफी कहते हैं। और जब इसमें क्या बन जाता है, इसे जाल बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है इसे इन थ्रेड्स का, धागों का, तो इसको क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं। याद रखना है अच्छी तरह से, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी और हाइफा। अब बात करें अपने नेक्स्ट इसकी, हेलोकार्पिक, यूकार्पिक और हेलोकार्पिक। इनका नेक्स्ट जो करेक्टर्स है वो क्या है, यूकॉर्पिक और हेलोकॉर्पिक है। अब यूकॉर्पिक क्या है और हेलोकॉर्पिक क्या है, यूकॉर्पिक में जब कवक के शरीर का कोई विशिष्ट अंग या कोई एक ही अंग क्या करता है, विभाजन करता है, कवक के शरीर का या कवक के शरीर का कोई विशिष्ट अंग जब एक ही अंग विभाजन करता है और विभक्त करता रहता है या प्रजनन करता रहता है, अपनी आकृति में वृद्धि करता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, यूकॉर्पिक कहते हैं। और शरीर के किसी भी अंग या किसी भी भाग से जब क्या होती है, विभाजन होता है, वृद्धि होती है, तो वो क्या कहलाता है, हेलोकॉर्पिक कहलाता है। अच्छी तरह से ध्यान रखता है, यूकॉर्पिक में सिर्फ शरीर का विशिष्ट अंग या शरीर का कोई एक भाग क्या करता है, विभाजन करता है, वृद्धि करता है, उसको क्या कहेंगे, यूकॉर्पिक। और जब पूरे शरीर में कहीं से भी क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, उसको क्या कहेंगे, अपने हेलोकॉर्पिक कहेंगे या हेलोकॉर्पिक कहते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, लोमोसोम्स।
और कैरियोकोसिस। लोमोसोम्स में क्या होता है, लोमोसोम्स में क्या होता है कि लोमोसोम्स में कंडीशन ये होती है कि जब इनका शरीर होता है उनमें अतिवृद्धि की गुणवत्ता पाई जाती है, कहीं एक विशिष्ट अंग में अतिवृद्धि की गुणवत्ता पाई जाती है, उस गुणवत्ता को क्या कहते हैं, लोमोसोम्स कहते हैं। बहुत कम आगे आता है ये क्वेश्चन, पूछ लेते हैं कि लोमोसोम्स क्या है, तो कवकों में विशिष्ट अंग में, कवकों के किसी विशिष्ट अंग में अतिवृद्धि, अत्यधिक वृद्धि होना, एक्स्ट्रा ग्रोथ। तो क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ जहां पे होती है उसको क्या कहते हैं, लोमोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कैरियोकोसिस की। कैरियोकोसिस, अब मैंने बताया है कहीं पे भी कैरियो, या जैसे यहां पे यूकैरियोटिक नाम आया था तो अपने किसका जिक्र हुआ था, न्यूक्लियस का यानी केंद्र का जिक्र हुआ था, और यहां पे भी कैरियो नाम आया है, तो कैरियो मतलब कैरियन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, और केंद्रक जहां पे कैरियो वर्ड आता है, कैरियन वर्ड आता है बायोलॉजी के अंदर, तो अपने सीधा दिमाग जाना चाहिए सिर्फ कहां पे जाना चाहिए, केंद्रक के ऊपर जाना चाहिए। तो देखिए कि केंद्रक होता है वो क्या होता है, केंद्रक झिल्ली जिसमें विलुप्त हो जाती है वो तो कैरियोकोसिस के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, लेकिन जिनमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रक विभाजन के बाद भी केंद्रक झिल्ली है वो क्या है, बनी रहती है, या केंद्रक झिल्ली विलुप्त नहीं होती है, केंद्रक कला विलुप्त नहीं होती है, यानी जो न्यूक्लियस है उसकी जो कला है वो क्या होती है, विलुप्त नहीं होती है, बाहर क्या करती है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, डबल न्यूक्लियस हो जाते हैं, उसके बाद में भी वो क्या है, विलुप्त नहीं होती है, जब केंद्रक कला विलुप्त नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, अपने कैरियोकोसिस कहते हैं। आगे बात समझ में, नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसके पोषण की, कवकों के पोषण की। तो यहां तक अपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, पूरा दोबारा, कवक, कवक विज्ञान के जनक माइकेली, कवक विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले कवकों का जिक्र कहां मिलता है, कवक की जिक्र कैस्पर बुहिन या गेस्पर्ड बुहिन की जो बुक है पिनेक्स थियोरेटिक बोटेनिका 1623 में जो लिखी गई थी, उसके अंदर कवकों का सिर्फ वर्णन मिलता है। उसके बाद में लीनेस आए और उन्होंने जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था उसके साथ में क्या बता दिया था कि जो कवक है वो नाम दे दिया था, और उसके बाद में आधुनिक कवक विज्ञान के जनक हेनरी एंटोन डीबेरी और कवक विज्ञान के जनक माइकेली, माइकेली से याद रखना माइकोलॉजी कवक विज्ञान का अध्ययन। इसके बाद में बात करते हैं बेसे ने क्लोरोफिल रहित सेमनी पौधे बताया था, इसके गुणधर्म हो गए। अब बात करते हैं अपने इसके पोषण की, तो आइए पोषण पे आते हैं। पोषण इसमें किस टाइप से होता है, पोषण में सबसे पहले देखा जाए तो परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी मुख्य इसके जो भाग है वो है। परजीवी में सबसे पहले बात आती है अंतः और बाह्य की। परजीवी क्या होते हैं, पोषण क्या होता है, तो मोड होता है न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट अपन लेता है कोई भी, जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई भी सजीव भोजन लेता है, उस भोजन लेने की जो क्रिया है या फिर कौन सा जो तरीके से भोजन ले रहा है तो वो क्या है, पोषण कहलाता है। तो देखिए पोषण में सबसे पहले आता है परजीवी, मतलब दूसरों पर निर्भर रहकर, दूसरे जो जीव है उन पर निर्भर रहकर और दूसरे जीवों के शरीर के अंदर है तो वो क्या होता है, अंतः परजीवी, और शरीर के बाहर चिपका हुआ है वो क्या होता है, बाह्य परजीवी। इसके बाद में बात करते हैं परजीवी में ही अविकल्पी परजीवी और विकल्पी परजीवी। अविकल्पी या इसके एक और परजीवी भी आता है जो नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन कवकों में वो नहीं होता, कोशिकांतर परजीवी, लेकिन यहां पे अविकल्पी परजीवी है। अविकल्पी परजीवी क्या होता है कि कोशिका के सिर्फ अंदर रहता है, कोई भी कोशिका के अंदर परजीवी रहता है, या वो चाहे वो मृत कोशिका हो चाहे जीवित कोशिका हो, कोशिका के अंदर का ही परजीवी होता है वो अविकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी बाह्य व अंतः कोशिकीय होता है। तो सिर्फ अंतः कोशिकीय परजीवी होते हैं वो क्या होते हैं, अविकल्पी परजीवी, और अंतः बाह्य कोशिकीय परजीवी होते हैं वो क्या होते हैं, विकल्पी परजीवी होते हैं। तो कवकों में अविकल्पी परजीवी का उदाहरण पूछ ले तो स्क्लेरोस्पोरा और पक्सीनिया का नाम आता है। किसका नाम आता है, स्क्लेरोस्पोरा और पक्सीनिया क्या है, कवकों में अविकल्पी परजीवी है। नेक्स्ट बात करें विकल्पी परजीवी की, तो विकल्पी परजीवी में एस्टिलोगो एंड पाइथियम क्या है, कवकों में एस्टिलोगो और पाइथियम विकल्पी परजीवी है। नेक्स्ट बात करें अपने इसके नेक्स्ट न्यूट्रिशन मोड की, मतलब कैसे पोषण लेता है, किससे पोषण लेता है, तो सड़े गले पदार्थों से क्या करता है, ये भोजन प्राप्त करता है। जो बदबू आती रहती है, कोई मृत जीव होता है उससे बदबू आती है, तो उसमें बहुत से बैक्टीरिया भी होते हैं, बहुत से वायरसेस भी वहां प्रेजेंट रहते हैं, बहुत से
फंग्स यानी फंजाई भी वहां पे क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो मृतोप जीवी सड़े गले पदार्थों से जो भोजन प्राप्त करते हैं कवक, ऐसे कवक क्या कहलाते हैं, मृतोप जीवी कवक कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल याद रखना है आपको एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम है वो क्या है, मृतोप जीवी है। अब नेक्स्ट बात करें अपने सहजीवी की, सहजीवी का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए सहजीवन में जो शैवालों के साथ में क्या रहते हैं, सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो सहजीवी और सहजीवी में मैं आपको बता देता हूं कि सहजीवी लगभग जो इनका आवास होता है वो क्या होता है, शैवालों के जो पादप पलवक होते हैं, शैवाल पादप पलवक होते हैं, पानी के ऊपर रहते हैं, जो हरी अपने कमोदरी या फिर अपने ग्रीन काई जिसको बोलते हैं वो क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। और शैवालों को पादप पलवकों के ऊपर ये क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं और उनके साथ में म्यूटलिज्म रिलेशनशिप में होते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। लेकिन सहजीवी की बात करें, अपने इसके एग्जांपल की बात करें सहजीवी में, तो राइजोप्स और पाइथियम, और राइजोप्स को क्या कहते हैं, रोटी कवक भी कहते हैं। रोटी के ऊपर जो कवक लग जाता है, बदबू आने लग जाती है, रोटी सड़ी बासी हो जाती है अपने बोलते हैं, तो रोटी कवक कौन सा होता है, राइजोप्स, रा से राइजोप्स और रा से रोटी याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में राइजोप्स और पाइथियम है वो क्या है, सहजीवी कवक है। अब बात करते हैं इसके अलग अलग टाइप्स की, तो टाइप्स कितने टाइप्स है, इसके कितने प्रकार है, तो वो मुख्यतः अपने जो प्रकार दिए हुए हैं रीड के सिलेब्स के अकॉर्डिंग, तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज दे रखे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज की, तो फाइकोमाइसिटीज क्या होते हैं, लगभग जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनके ऊपर मिल जाते हैं और या क्या कर देते हैं, जो चट्टानों को या फिर कोई कठोर भाग है लकड़ी का उसको क्या कर देते हैं, चूरा बना देते हैं। और एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि फंग्स या फिर कवक को क्या कहा जाता है, पादपों का कैंसर, ठीक है, कैंसरो प्लांट भी कहा जाता है। तो देखिए फाइकोमाइसिटीज, और इसके उदाहरण है म्यूकर और राइजोप्स, म्यूकर और राइजोप्स फाइकोमाइसिटीज के उदाहरण है। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज, दूसरा प्रकार इसका एस्कोमाइसिटीज, एस्परजिलस और यूरोस्पोरा, और यूरोस्पोरा का औषधीय महत्व है बहुत ज्यादा, और इसको क्या कहा जाता है, जैसे पादपों में ड्रोसोफिला का महत्व होता है, पादपों के अंदर ड्रोसोफिला का औषधीय महत्व होता है, उसी प्रकार से यूरोस्पोरा का भी क्या होता है, यूरोस्पोरा कवक का भी औषधीय महत्व बहुत है। तो ड्रोसोफिला का जैसे पादपों में महत्व होता है, उसी तरह से कवकों में यूरोस्पोरा का औषधीय महत्व है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की, देखिए एस्परजिलस नाम याद रखना, एस्परजिलस है और एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज का उदाहरण एस्परजिलस, ए से एस्कोमाइसिटीज और ए से एस्परजिलस, दोनों याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, इसके उदाहरण है एस्टिलोगो और पक्सिनिया, और बेसिडियोमाइसिटीज में जैसे कोनेडिया बनते हैं, और नेक्स्ट इसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज को अल्टरनेरिया और इसके ट्राइकोडर्मा, दो एग्जाम्पल याद रखना, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। अब ये जो ड्यूटेरोस्ट्रोमिया है इसके बारे में विशिष्ट बताते हैं कि इसमें सिर्फ अभी तक अलैंगिक जनन ही देखा गया है, और वो भी किसके द्वारा, कोनेडिया द्वारा। अब मैं आपको बता देता हूं, जिक्र करता हूं कोनेडिया का, कि जब क्या है इसके जो फाइबर बनते हैं, इसके फाइबर बनते हैं तो उसमें क्या बनते हैं, इस टाइप से अतिवृद्धि करते हैं और कोनेडिया बनते हैं। अब इनमें बात करते हैं जनन की, तो जनन में कोनेडिया आते हैं और कोनेडिया टूट के गिर जाते हैं और आगे फैल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे रोटी के ऊपर फफूंद लग जाती है, जब एक थोड़ी सी जगह फफूंद लगती है तो वो बहुत सी जगह फैल जाती है, और थोड़े दिनों में जो उसके कोनेडिया बन जाते हैं या फिर वो ऊपर से ब्लैक हो जाती है, और ब्लैक होने के बाद में धीरे 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 उसके जो बीजाणु है, चल और अजल बीजाणु, दोनों प्रकार के बीजाणु है, वो फैल जाते हैं, वो सारा सारा अपने पड़ेंगे इसमें रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन में ध्यान से देखेंगे, रिप्रोडक्शन इसमें किस टाइप से होता है, काइट या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पहला रिप्रोडक्शन कौन सा है मैं यहां लिख देता हूं, पहला रिप्रोडक्शन का टाइप काइट, ये इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा इसका रिप्रोडक्शन कौन सा है, अलैंगिक, इसको अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तीसरा कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक, ध्यान में रखना है तीनों प्रकार का इसमें कवकों में जनन है वो पाया जाता है। कायिक जनन इसमें किससे होता है, कायिक जनन खंडन विधि से, विखंडन विधि से और मुकुलन विधि से, तीनों विधियों से इसमें कायिक जनन है वो होता है, खंडन विखंडन और मुकुलन विधि, किस किससे होता है, खंडन विधि से,
विखंडन विधि से और मुगलन विधि से, तीनों विधियों से क्या होता है इसमें कायिक जनन है वो पाया जाता है। अब देखिए अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन है इसमें चल और अचल बीजाणुओं से होता है। और बात करें अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है कि जैसे कोई कवक है उसकी जो सल्यन से दूसरा अपने किसी टच में आ गई तो उसका सल्यन हो गया, केंद्रक सल्यन जिसको बोलते हैं। तो लैंगिक जनन का कौन पूछे तो सल्यन से, संयुग्मन से, सल्यन कंजुगेटिव प्रोसेस संयुग्मन हो गया, सल्यन फ्यूजन संयुग्मन कंजुगेटिव प्रोसेस, एंड नेक्स्ट अपने आएगी इसकी जो माइटोसिस या फिर अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन से। तो तीनों प्रोसेस से क्या हो सकता है इसमें लैंगिक जनन हो सकता है, तो तीनों प्रकार के जनन हो सकते हैं। ये होगी रिप्रोडक्शन की बात। अब बहुत से अपने कवक ऐसे बन जाते हैं जो पौधों के अंदर और मनुष्यों में क्या फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं, उन कवकों की अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक जो अपना टॉपिक रह गया है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया में बता देता हूं कि बैक्टीरिया में सबसे पहले अपने आद्य बैक्टीरिया जो बात की थी, आद्य बैक्टीरिया की मैंने बताया नहीं था, मैंने बताया था कि आपको टॉपिक बताऊंगा, लेकिन आद्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो उसके बाद में उसके बारे में आपको साथ साथ में थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।